तो चलिए चलिए, सबसे पहले आप सब लोग मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? शुभम भाई पूछ रहे हैं, क्या ये लेक्चर देखने के बाद सीए फाइनल का आईटीसी कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन? हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे, ए टू जेड कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। प्लीज सभी लोग बताएं वेदर ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, सबको सब कुछ समझ आ रहा है? प्लीज चेक करके बताइए। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, प्लीज बताएं। कोई नहीं बता रहा, बताओ, कितने दुख की बात है। एवरीथिंग क्लियर? चलो तो सबसे पहले लिखेंगे पहली हेडिंग, व्हाट इज आईटीसी? व्हाट इज आईटीसी? बेसिक हो या एडवांस, हम सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कम हो या ज्यादा हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ईमानदारी से लिखिएगा। जो भी मैं लिखवाऊंगा सब कुछ लिखना है आपने, कभी आप बदमाशी करो कि भाई ये लिखा लिखाया भेज दो, हमें लिखने की मेहनत मत करवाओ। चैप्टर दोस्तों बहुत कीमती है, अच्छा खासा वेटेज रखता है चैप्टर। तो व्हाट इज आईटीसी में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, प्लीज लिखेंगे पॉइंट नंबर वन, आईटीसी स्टैंड्स फॉर, आईटीसी स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी की फुल फॉर्म तो हम सब जानते हैं, तो फिर भी लिखना थोड़ा परंपरा रहता है। आई नो यू पीपल आर इन फाइनल्स एंड यू नो व्हाट इज आईटीसी, बट स्टिल आईटीसी स्टैंड्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑल राइट, पॉइंट नंबर टू, व्हेनेवर वी कलेक्ट जीएसटी ऑन आर आउटवर्ड सप्लाई, वेन एवर वी कलेक्ट जीएसटी ऑन अवर आउटवर्ड सप्लाई, जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं अपने आउटवर्ड सप्लाई पे, दिस इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स, है ना? तुम लोग अच्छे से इस बात को जानते होगे कि जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं, किससे? अपने कस्टमर से, अपने रिसीवर से। किसके ऊपर? अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर, तो उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। और थर्ड पॉइंट लिखिए, व्हेनेवर वी पे जीएसटी, व्हेनेवर वी पे जीएसटी ऑन अवर इनवर्ड सप्लाई, जब भी हम अपने इनवर्ड सप्लाई पर, जब भी हम अपने इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी पे करते हैं, वेन एवर वी पे जीएसटी ऑन अवर इनवर्ड सप्लाई कॉमा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। दोस्तों देखो, तुम ध्यान से समझना कि आउटपुट टैक्स आउटवर्ड सप्लाई पर है और इनपुट टैक्स इनवर्ड सप्लाई पर है। ये दोनों वर्ड इसलिए लिखने जरूरी थे क्योंकि एक 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 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो तुमको है, मुझे पता है, लेकिन अपने नोट्स को भी हमें कंप्लीट करना है। आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दोनों क्लियर हो गए ना? तो पॉइंट नंबर चार लिखो, व्हेनेवर वी कलेक्ट आउटपुट टैक्स, व्हेनेवर वी कलेक्ट आउटपुट टैक्स फ्रॉम द रिसीवर, मतलब कस्टमर को कस्टमर नहीं कहते ना जीएसटी में, उसको रिसीवर बोलते हैं। व्हेनेवर वी कलेक्ट आउटपुट टैक्स फ्रॉम द रिसीवर कॉमा, दिस इज अवर लाइबिलिटी, है ना? ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें सरकार को पे करना है। दिस इज अवर लाइबिलिटी टू बी पेड, दिस इज अवर लाइबिलिटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है? दिस इज अवर लाइबिलिटी टू बी पेड टू गवर्नमेंट। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी लाइबिलिटी है जिसको हमें सरकार को पे करना होता है। क्लियर? अब ये बात सोचो कि जब तुम खुद जानते हो कि ये एक लाइबिलिटी है, इसका मतलब हमारे ऊपर सिरदर्दी है, इसका मतलब हमें ये पे करना है, हमारी जेब ढीली होगी,
हमें जेब से देना पड़ेगा। तो बस जब हमें देना पड़ेगा ना ये पैसा, तो काश भगवान एकदम से धरती पे उतर आए और हमसे बोले कि अरे तेरे इतने पैसे बनते हैं, चले काम कर थोड़े कम दे दे। भगवान काश हमारे पास आ जाए और बोले कि अरे 40 लाख रुपए तेरे ड्यूज बनते हैं, आउटपुट टैक्स तेरा 40 लाख है, तो बस एक काम कर तू इसमें से 10 लाख माइनस कर ले, बस तू हमें 30 ही लाख दे दे। तो आप बताओ दिल के अंदर खुशियों के फूल खिलेंगे कि नहीं खिलेंगे? आपको 10 लाख माइनस करने की इजाजत मिल जाए तो सोचो कितने मजे की बात है। वो 10 लाख सर माइनस करने की इजाजत क्यों देगा हमें? वो छोड़ो ना यार, 2 मिनट तुम उदाहरण पे रखो, तुम एग्जाम्पल पे रहो। तुम्हें एक बात समझनी है कि तुमको ये बात समझ आ रही कि नहीं समझ आई कि अगर हमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है, हमारे सिर पर इस बात की ये लाइबिलिटी है कि हमें सरकार को ये पैसे पे करने हैं, तो हम तो वैसे भी पे करते ही, बट किसी दिन भगवान देवता बन के उतर आए धरती पर और हमसे बोले बेटा ये माइनस कर ले और हम कर लेंगे तो अच्छा होगा ना। तो वो जो माइनस करने का अधिकार होता है दोस्तों, जिससे हमें फायदा हो जाता है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। चलो पॉइंट नंबर 5 लिखो। पॉइंट नंबर 5, वेन एवर वी नीड टू पे आउटपुट टैक्स, वेन एवर वी नीड टू पे आउटपुट टैक्स टू गवर्नमेंट, वेन एवर वी नीड टू पे आउटपुट टैक्स टू गवर्नमेंट, जब हम सरकार को आउटपुट टैक्स पे करेंगे, वेन एवर वी नीड टू पे आउटपुट टैक्स टू गवर्नमेंट कॉमा वी कैन डिडक्ट, अरे वाह, वी कैन डिडक्ट, कुछ माइनस करने का परमिशन है अपने को, वी कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ, वी कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स, वी कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेजेस। सर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो भारी भारी खतरनाक सवाल भी तुम लोग कर पाओगे। तुम सीएमए फाइनल का स्कैनर देखो, सीएमए फाइनल के स्कैनर में क्वेश्चन देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है भाई कौन से टॉपिक से पूछ लिया ये हमने तो कहीं देखा ही नहीं, ये कौन सी बिजली गिरा दी कलकत्ता ने हमारे ऊपर। और सर वो आपके जो फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट हैं चार्टर्ड वाले और कंपनी सेक्रेटरी वाले, उनके यहाँ भी सेम चैप्टर आईटीसी फाइनल में है, उनके सवाल उठा के देख लो तो वहां भी वही चक्कर है। पूरा चैप्टर पढ़ते वक्त तो ऐसा लगता है कि हमसे सब हो जाएगा, क्वेश्चन देखते तो लगता है समझ ही नहीं आ रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है इस पर। तो भाई वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है ना, फंडामेंटल तुम्हारे क्लियर है, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम बेफिक्र रहो। तुमने लिखा वेन एवर वी नीड टू पे आउटपुट टैक्स टू गवर्नमेंट, जब भी हमें सरकार को पैसे देने हैं, जब भी हमें सरकार को पैसे देने हैं, तो हम उस पैसे में से पहले डिडक्ट कर लेंगे, हम अपनी लाइबिलिटी को पहले कम कर लेंगे। और लाइबिलिटी में जो कम करेंगे दोस्तों, वो क्या चीज कम करेंगे बताओ? इनपुट का टैक्स जो हमने परचेस पे कर रखा है। सोचो वो एसी जो तुमने अपने दुकान में, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे लगा रखा है, वो तुमने खरीदा था ना, उस पे जीएसटी पे करा था ना, सोचो उतना जीएसटी अगर तुम्हें माइनस करने की इजाजत दे दी जाए तो कितना अच्छा हो। अमर वो दे देना ग्लास। तो अब तुम सोचो सेल का जो जीएसटी तुमने कस्टमर से ले लिया, उस पैसे को तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करने जाओ, उससे पहले तुम वो एसी वाला जीएसटी माइनस कर लो, तो कितनी बल्ले बल्ले वाली बात है। बस वो खेल खेलना है, इसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज आ जाएंगे, इसमें थोड़ी 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 समस्याएं आ जाएंगी, उनके हल अपने को ढूंढने हैं, उनके जवाब अपने को ढूंढने हैं, बात खत्म, और क्या है। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6 देखो भाई। पॉइंट नंबर 6, वेन वी डिडक्ट जब हम क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, वेन वी डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कॉमा द बैलेंस इज कॉल्ड नेट टैक्स लाइबिलिटी, द बैलेंस इज कॉल्ड नेट टैक्स लाइबिलिटी। इसको ऐसे फॉर्मूले में भी लिख लो तुम, जैसे आउटपुट टैक्स लिखो
और फिर रुपी का सिंबल बना के मान लो हमने यहां डबल एक्स लिख दिया, लेस हमने इनपुट टैक्स कर दिया माइनस, इनपुट टैक्स हमने कर दिया माइनस, तो जो यहां पर हमारे पास रिजल्ट में आएगा उसको हम बोलते हैं नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, देखो बात सुनो एक मन की मेरे, जैसा कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया कि जब हम कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे ना सारे, तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस को ना मैंने दो भागों में बांटा है अपने हर चैप्टर में, क्लास वर्क क्वेश्चंस और होमवर्क क्वेश्चन। एक दो चैप्टर मैं पहले यूट्यूब पे करा चुका हूं और मैंने रिकॉर्डिंग्स में भी दिए हैं बच्चों को, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिला होगा, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें अपन ऐसा क्लासिफिकेशन कर नहीं पाए थे तो मैं उसमें भी कर रहा हूं। क्लास वर्क क्वेश्चन और होमवर्क क्वेश्चन में क्या सिस्टम है ना कि जैसे एक जैसे क्वेश्चंस हैं, एक मैंने क्वेश्चन कराया मान लो आईटीसी के ऊपर कोई टॉपिक है, मान लो ब्लॉक क्रेडिट, तो मैंने ब्लॉक क्रेडिट पे चार क्वेश्चन कराए और उसके जैसे ही चार और क्वेश्चन है, तो वो तुम जब घर पे करके देखोगे ना, तो पहले इन नियमों को पढ़ना, पहले इन रूल्स को अपने मन में पढ़ना और अपना दिमाग खाली करके पढ़ना। दिमाग खाली करके का मेरा मतलब है कि देखो तुम अपने मन के अंदर अगर इस बात की ईगो रखोगे ना, मैं तो फाइनल में हूं भाई, मेरे को क्या जरूरत है पढ़ने की, ये तो अपनों ने इंटर पढ़ रखा भाई, सब लपेट दूंगा बिल्कुल, तो देखियो, ऐसे कुछ नहीं सोचना है। तुम ये मान के चलो कि तुम्हें तो जीरो आता है, बिल्कुल ग्राउंड से सीख रहे हो, फंडामेंटल क्लियर हुए ना तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये तो पक्की बात है ना तुम्हारी कि टैक्स लाइबिलिटी तुम्हारी कम हो गई, इस बात से तो तुम अग्री करोगे कि तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी बहुत हद तक यहां पर कम हो गई। इस फायदे को, इस बेनिफिट को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिखो तुम अगला पॉइंट, दिस एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द लायबिलिटी, दिस एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑन जीएसटी ऑफ जीएसटी सॉरी लायबिलिटी ऑफ जीएसटी इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हुई तुमको ये बात? इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब तो एक तुमसे पूछे तो कहना इट इज एन एडवांटेज दैट वी गेट बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विद द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स। तो ये अपने को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तुम कुछ भी बेचोगे तो जो भी बेचोगे उस पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करोगे, वो पैसे तुम्हारे नहीं है। देखो वो तुमने अमानत रख रखी अपने पास सरकार की, तुमने 118 रुपए का सामान बेचा तो 100 रुपए तो तुम्हारे हैं और 18 रुपए सरकार की अमानत है जो तुमने वसूल कर लिए। ठीक है ना, अब ये 18 रुपए खा मत जाना, 18 रुपए खर्च मत कर देना, 18 रुपए बिल्कुल अपनी जेब से निकाल के अलग रख देना। दुनिया में जितने भी व्यापारी हैं, मैं कह रहा हूं भारत छोड़ो अमेरिका लंदन तक के, सब जगह यही खेल है कि हम सामान बेचकर 118 रुपए जो कमाते हैं, हमें लगता है कि 118 के 118 हमारे हो गए, जबकि हमें मान लेना चाहिए कि उसमें से 100 ही हमारे हैं, 18 रुपए हमने सरकार की अमानत के रूप में अपने पास रख रखे हैं। वो 18 रुपए हमें सरकार को वैसे भी देने थे, लेकिन हमने जो चीजें खरीद रखी हैं उन पे जो हमने जीएसटी पे कर रखा है, वो वाह सरकार ने हम माइनस करवा दिया और ये हमें मिल गया फायदा पक्का। लेकिन सरकार कहती है बेटा ऐसा है, इतनी आसानी से तुझे ये फायदा मैं लेने नहीं दूंगी। सरकार कहती है बेटा ऐसा है कि इतनी आसानी से ये फायदा लेने से पहले, आसानी तो है, फायदा तो तुम आसानी से ले सकते हो, लेकिन फायदा लेने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा। उन कंडीशंस का पालन किए बिना तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले सकते। तुम जो भी बेचोगे उससे जो टैक्स इकट्ठा होगा तुम्हारे पास, उसका नाम आउटपुट टैक्स। तुम जो भी खरीदोगे उस खरीदने में जो तुम टैक्स पेमेंट करके आए होगे उसको बोला इनपुट टैक्स। तुम्हें जो लायबिलिटी सरकार को जाकर पे करनी है वो बन गई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उसमें से माइनस कर दिया इनपुट टैक्स, तो टोटल बन गया नेट टैक्स लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई। लेकिन ये जो टैक्स इनपुट वाला माइनस कर दिया, इसको माइनस करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। आइए नई हेडिंग डालते हैं, कंडीशंस टू अवेल बेनिफिट ऑफ आईटीसी। जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, करेंगे ना भाई, पक्का करेंगे, गारंटी करेंगे, सारे सवाल करेंगे तो हम खुश हो जाओगे बिल्कुल। अभी लिखो कंडीशंस टू अवेल आईटीसी।
कंडीशंस टू अवेल आईटीसी, हेडिंग डाल दीजिए कंडीशंस टू अवेल आईटीसी, क्या क्या शर्तें हमें फुलफिल करनी है जिसके बिना हम आईटीसी ले नहीं सकते। हां जी, तो पहली कंडीशन है पॉइंट वन, वी मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, वी मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज एविडेंस ऑफ इनवर्ड सप्लाई, एज एविडेंस ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम कह रहे हैं भाई हमने खरीदा है, तो खरीदने का सबूत क्या है? आप कह रहे हो कि हां मैंने खरीदा है, तो भाई सबूत क्या है? क्या सबूत है इस बात का कि हमने खरीदा है? अगर हमने मान लो कोई चीज खरीदी है तो टैक्स इनवॉइस होगा ना हमारे पास। अगर हमारे पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो डेबिट नोट होगा। डेबिट नोट क्या होता है दोस्त? मैं मान लेता हूं कि तुम्हें पता है, नहीं पता तो हम इनवॉइस वाले चैप्टर में अलग से पढ़ लेंगे, थ्योरी का कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा। तो वी मस्ट हैव अ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज एविडेंस ऑफ इनवर्ड सप्लाई, पक्का ना? चलो अब इसमें इसी के आगे देखो, पॉइंट वन के अंदर ही रखना, ठीक है? अभी थोड़ा पॉइंट वन के अंदर ही रखना है, अगली लाइन में लिखना है फॉर एग्जाम्पल टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट, दोनों में से कोई भी होगा तो तुम्हारे पास चलेगा। तुमने सुना है कभी कि फाइनल में केस स्टडी आती है? कभी तुम हिम्मत करके केस स्टडी पढ़ना, छोटी सी बेकार की बात के ऊपर 12 लाइनों की कहानी दी हुई होगी और वो तुमसे पूछ रहे होंगे बेटा बताओ इस कहानी में क्या होगा। तो एक बड़ी सी केस स्टडी आपके सीएमए फाइनल केस स्टडी मटेरियल में दी हुई है, मैं करवाऊंगा केस स्टडी कि साहब वो एक बायर है, वो कह रहा है जी मेरे पास इनवॉइस तो है नहीं, वो तो दुकान में परसों आग लग गई थी और जहां से सामान खरीदा था वो मिल नहीं रहा, या फिर वो इनवॉइस दूसरी कॉपी दे नहीं पा रहा, हम वहां जा नहीं पा रहे, फलाने फलाने रीजन की वजह से हमें इनवॉइस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास डेबिट नोट है, तो क्या डेबिट नोट के माध्यम से हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है? हाँ भाई, केस क्या होता है, केस स्टडी क्या होती है? एक रियल लाइफ सिचुएशन कि जी ऐसा होता तो क्या करते, तो ऐसा होता तो बस ये करते कि भाई वो डेबिट नोट है तो भी काम चल जाएगा, टैक्स इनवॉइस है तो भी काम चल जाएगा। क्लियर हो गई जी बात? पक्का? चलो दूसरी जो कंडीशन है वो देखें, वी मस्ट हैव रिसीव्ड, वी मस्ट हैव रिसीव्ड, वी मस्ट हैव रिसीव्ड, हमें प्राप्त हो चुका होना चाहिए क्या? गुड्स और सर्विसेज, या फिर दोनों, दोनों विच वी हैव परचेस्ड, विच वी हैव परचेस्ड, मतलब हमने जो भी खरीदा, जिसका हम इनवॉइस लिए बैठे हैं, जिसका हम आईटीसी लेना चाहते हैं, वो वास्तव में हमें प्राप्त हो चुका होना चाहिए। अगर वो हमें वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ तो हम आईटीसी लेने के हकदार नहीं है। मैं फिर याद दिला रहा हूं आपको कि सीएमए फाइनल में छोटी सी बात का इशू बनाकर लंबा चौड़ा सवाल पूछ लिया जाता है। मान लीजिए हमारी कंपनी ने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के ट्रैवलिंग के लिए एयर टिकट बुक करा, तो आज अप्रैल में हमने ट्रैवलिंग टिकट बुक किया, लेकिन जो एमडी साहब हैं वो ट्रेवल कब करेंगे? जून में। तो टिकट आज खरीद लिया तो क्या वो सर्विस रिसीव हो गई? ना। वो सर्विस रिसीव कब होगी? जून में। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि जब जून में सर्विस रिसीव हो जाएगी तब हम क्रेडिट ले सकते हैं? जी हां, सही समझा आपने। ये हवा में बात मत करना कि साहब वो हमने खरीद लिया, हमें इनवॉइस मिल गया, हमने पेमेंट कर दी, देखो जी बिल हमारे सामने है, एयर इंडिया का बिल है, असली बिल है, कानूनी बिल है, कंप्यूटर का बिल है, तो ये तो हमने परचेज कर लिया, ये तो हमने सर्विस खरीद ली। तो सर्विस खरीदने से नहीं होता ना, या क्या लिखा है? वी मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज विच वी हैव परचेज्ड। सर हमने तो नहीं देखा है ऐसा होते हुए, तो कोई चीज बिना कानून के हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? नियम यही है,
जब तक वो चीज जो हमने खरीदी हम तक प्रॉपर फिजिकल असली वाकई में आ नहीं जाती, हम क्रेडिट नहीं ले सकते। सर हम तो ले लेते हैं, सर हमने तो देखा है आर्टिकलशिप में ऐसा होते हुए। सर वो गलत हो रहा है ना, सही नहीं हो रहा। ठीक है दोस्त, वी मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज विच वी हैव परचेज। ठीक है, इसी पॉइंट में अगला लाइन लिखिए, इफ गुड्स आर बींग रिसीव्ड इन डिफरेंट लॉट्स, इफ गुड्स आर बींग रिसीव्ड इन डिफरेंट लॉट्स, अगर जो सामान है वो किसमें आ रहा है, इन डिफरेंट लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, अगर हमारे पास जो सामान आ रहा है वो किसमें आ रहा है, अलग अलग लॉट्स में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। तो अगर कोई चीज अलग अलग लॉट्स में या अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में आ रही है तो क्या होगा सर, कॉमा आईटीसी कैन बी टेकन, आईटीसी कैन बी टेकन ओनली व्हेन ऑल इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट का मतलब पैसों की इंस्टॉलमेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट का मतलब सामान की इंस्टॉलमेंट है, ऑल इंस्टॉलमेंट्स या लॉट्स आर रिसीव्ड। ठीक है, बड़ा सा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप देखिएगा, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने 10,000 किलो खरीदा, वो एक बार 2,000 किलो आया, एक बार 3,000 किलो आया, फिर एक बार 3,000 किलो आया, फिर एक बार 2,000 किलो आया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और वो तुमसे पूछ रहे हैं ये बताओ जितना जितना आता जा रहा है उतना उतना इंस्टॉलमेंट का उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लें क्या? नहीं, एक बिल पे जितनी पेटी छपी है, या तो तुम बिल अलग अलग बनवाते, लेकिन अगर एक बिल पर कई पेटियों का माल है तो जितनी पेटी छपी है वो सारा का सारा माल रिसीव हो जाना चाहिए। अगर वो सारा का सारा माल रिसीव नहीं हुआ तो बस गड़बड़ है, समझ गए सर आप? चलो, सारा माल रिसीव नहीं करोगे, तुम चाहते हो कि भाई थोड़ा आ गया थोड़ा आईटीसी ले लूं, तो भाई एक काम करो, तुम अलग अलग इनवॉइस बनवाना चाहिए था तुमको। अब इनवॉइस भी तुम एक बनवाओगे और उस पर माल भी पूरा नहीं मंगाओगे तो आईटीसी के सपने ना देखना छोड़ दो। ठीक है जी, आईटीसी तभी होगा जब सारा सामान वास्तव में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखें थर्ड पॉइंट, पॉइंट थ्री, टैक्स ऑन अवर परचेजेस, टैक्स ऑन अवर परचेजेस मस्ट हैव रीच्ड, टैक्स ऑन अवर परचेजेस मस्ट हैव रीच्ड, वो पहुंच चुका होना चाहिए किसको, रीच्ड द गवर्नमेंट। मतलब सिंपल सा मतलब यह है भाई, तुमने माल खरीदा, तुमने जीएसटी के पैसे सेलर को दे दिए होंगे, सेलर ने सरकार को जमा करे कि नहीं करे ये बताओ, तुम कह रहे हो तुमने परचेस करी, तो जब तुम कह रहे हो तुमने परचेस करी तो किसी ने तुम्हें सेल भी तो करी होगी, जिसने तुम्हें सेल करी वो तो अपने रिटर्न में दिखा नहीं रहा कि मैंने सेल करी, वो तो छिपा गया तुम्हारी वाली परचेस को, तुम्हारी वाली सेल को, तो क्या कर लोगे फिर तुम, क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक जमाना था जब 20% क्रेडिट मिल जाता था, फिर एक जमाना आया जब 10% क्रेडिट मिलने लगा, फिर एक जमाना आया जब 5% क्रेडिट मिलने लगा, आज की डेट में कोई प्रोविजनल क्रेडिट का रूल नहीं है। जितना जीएसटी पोर्टल पर तुम्हारी परचेज विजिबल होगी, जितना जीएसटी पोर्टल पर परचेज दिखेगी, बस उतना ही क्रेडिट ले सकते हो तुम। बस यार, तुम कह रहे हो ना कि तुमने माल खरीदा, तुम्हारे पास बिल है, तुम्हारा जो सेलर है उसने तुम्हें तो बिल दे दिया और सरकार के रिकॉर्ड में शो नहीं करा, सरकार को बताया ही नहीं कि उसने मैंने माल बेचा है, तो सरकार को टैक्स कहां पहुंचा? मतलब तुम्हें क्रेडिट चाहिए तो तुम सरकार के पास पैसा क्यों नहीं पहुंचवा रहे? सर हमारी गलती थोड़ी है, हम तो माल खरीद के ले आए, हम तो पैसे दे आए, हम तो अपने दुकान पर आ गए, हमें क्या पता जहां से खरीद के लाए हैं कि वो सरकार को पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा। आज पता चल गया भाई, अब तो पता चल गया, अब तुम उससे कितना ही लड़ते फिरो, वो तुम्हें कितना ही बहाना करते फिरे, नुकसान तुम्हें करवा रही है सरकार। तुम क्रेडिट नहीं ले सकते जब तक ये क्रेडिट वो आदमी अपनी सेल शो नहीं करता पोर्टल पे और तुम्हारी परचेज यहां पोर्टल पे दिखने नहीं लगती।
तो सर ऐसे तो नुकसान हमारा है, एक बार होगा तभी सुधरोगे तुम, के ऐसे आदमी से माल खरीदा ही मत करो, ऐसे लोगों से माल लिए ही मत करो। सरकार तुमसे कहती कि इससे माल मत खरीदो तो तुम कुछ मानते नहीं, सरकार ने तुम्हारा क्रेडिट ही रोक दिया। सरकार कह रही है क्रेडिट ही नहीं दूंगी, पहले ऐसे आदमी से खरीदो जो हमें टैक्स भरता हो। ठीक है, लिखो इसी के आगे, लिखो इन अदर वर्ड्स, इसी के आगे लिखिएगा इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स अन्य शब्दों में यदि बात करें तो क्या होगा, सप्लायर फ्रॉम होम वी हैव परचेस्ड, सप्लायर फ्रॉम होम वी हैव परचेस्ड, सप्लायर फ्रॉम होम वी हैव परचेस्ड, जिससे हमने खरीदा, मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न, मस्ट हैव फाइल्ड द रिटर्न एंड मस्ट हैव पेड जीएसटी, मस्ट हैव पेड जीएसटी ऑन सच ट्रांजेक्शन, मस्ट हैव पेड जीएसटी ऑन सच ट्रांजेक्शन। हम भी जब पढ़ते थे अपने जमाने में तो क्या था कि तब जीएसटी तो थी नहीं, लेकिन जो भी था सर्विस टैक्स वैट, इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा इंटर में था, थोड़ा थोड़ा हिस्सा फाइनल में था। वो फाइनल वाला आदमी सेन क्रेडिट पढ़ा रहा होता था, हमें लग रहा होता था यार कुछ आगे बढ़ो, कुछ और पढ़ाओ, ये तो हमको आता है। तो तुम ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, धीरे धीरे आराम से अपने अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, ठीक है भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलो पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर की वैसे ना जरूरत नहीं है, पॉइंट नंबर फोर में जो पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं वो वही है जो थ्री में हम पहले भी देख चुके हैं। लिखो इसमें बोथ द सप्लायर एंड वी, वी कौन, रिसीवर। भाई हम आईटीसी लेना चाहते हैं तो हम रिसीवर हुए ना, तो हम एग्जाम में सर ऐसे लिख सकते हैं वी, अरे वी तो फिर भी अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं हम आई लिख सकते हैं। बोथ द सप्लायर एंड वी रिसीवर मस्ट हैव फाइल्ड, मस्ट हैव फाइल्ड जीएसटी रिटर्न, मस्ट हैव फाइल्ड जीएसटी रिटर्न, मतलब हम जीएसटी रिटर्न जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हों। जीएसटी रिटर्न अगर हमने भर दिया तो ये कॉमन सेंस से सोचने की बात है कि हमारे सेल परचेज में वो चीज दिखने लगी होगी, है ना भाई, हमने सेल करी, हमने परचेज करी, तो जिसने सेल करी उसने सेल के रिटर्न में एंट्री करी होगी, हमने परचेज करी तो हमने परचेज के रिटर्न में उसको शो करवाया होगा, दोनों की ट्रांजेक्शन मैच करके, इसे कहते हैं मैचिंग ऑफ आईटीसी, ठीक है ना। तो ये वाली बात तो बड़ी सिंपल थी, इसमें कुछ खास नहीं था। चलो भाई पॉइंट नंबर पांच देखो, वी मतलब रिसीवर मस्ट हैव मेड पेमेंट, मस्ट हैव मेड पेमेंट टू द सप्लायर, टू द सप्लायर विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज फ्रॉम, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कहने का मतलब यह है कि भाई हम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैंने यहां कहीं नहीं लिखा कि आप पहले पेमेंट करो तभी आपको आईटीसी मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे दोगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, उधार खरीद पर भी क्रेडिट मिल जाएगा और तुरंत मिल जाएगा, इस भरोसे से कि 180 दिन में तुम पेमेंट कर दोगे, इस भरोसे से कि 180 दिन के अंदर तुम सेलर को जाके पैसे दे दोगे। सर अगर मान लो हमने नहीं दिए तो क्या होगा, रिवर्सल ऑफ आईटीसी करके एक टॉपिक आएगा, जो हम आईटीसी ले चुके सरकार रिवर्स कर देगी और ब्याज सहित रिवर्स कर देगी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी पढ़ेंगे अभी हम। वी द रिसीवर मस्ट हैव मेड पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है, इसी के आगे लिखें
इट डज नॉट मीन, इट डज नॉट मीन दैट आईटीसी कैन नॉट बी टेकन ऑन क्रेडिट परचेज. इट डज नॉट मीन दैट आईटीसी कैन नॉट बी टेकन ऑन क्रेडिट परचेज. ठीक है, फुल स्टॉप. उसके आगे लिखो इनफैक्ट. इनफैक्ट असलियत यह है, आईटीसी शैल बी अलाउड. इनफैक्ट आईटीसी शैल बी अलाउड. आईटीसी शैल बी अलाउड ऑन द क्रेडिट परचेज इंस्टेंटली. आईटीसी शैल बी अलाउड ऑन द क्रेडिट परचेज इंस्टेंटली एंड इफ पेमेंट इज फाउंड टू बी पेंडिंग. एंड इफ पेमेंट इज फाउंड टू बी पेंडिंग, और अगर पेमेंट पेंडिंग निकली इवन आफ्टर 180 डेज, इवन आफ्टर 180 डेज, अगर 180 दिन के बाद भी पेमेंट पेंडिंग निकली तो क्या करेंगे? कॉमा, आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड, आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड शैल बी, आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड शैल बी रिवर्स्ड. जो आईटीसी पहले ही हम ले चुके हैं, जो आईटीसी हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, जिसका लाभ हम उठा चुके हैं, बस वो क्या कर दिया जाएगा? रिवर्स. क्लियर हो गई जी बात? पक्का समझ आ गया? क्लियर? हां जी दोस्तों. तो ये कंडीशंस जो हैं, ये आपको अच्छे तरीके से फुलफिल करनी होंगी. टोटल अगर आप लॉ पढ़ोगे, लॉ मतलब टैक्स का लॉ, तो 6 शर्तें आपको मिलेंगी. लेकिन बस वो जो 6 शर्तें हैं उसको हमने आराम से अपने 5 पॉइंट में कवर कर लिया है. ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई, फटाफट आप लोग हां कर दीजिए. ठीक है, कंडीशंस टू अवेल आईटीसी, कुल मिला के ये 5 पॉइंट हमने पढ़ लिए. आई होप ऑल दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज चेक करके बताइए कि आपको समझ आ गया कि नहीं समझ आ गया, एक बार मुझे बता दीजिए. इज दैट ऑल राइट? क्लियर हुआ आप सबको? एवरीबडी, थोड़ा थोड़ा आप बताया करें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं. ठीक है, चलो अगली हेडिंग हम लिखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग जो मुझे बतानी है वो है ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ इनपुट. पूरा लिख लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ इनपुट. ये क्या है? हां जी सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स. लॉस ऑफ इनपुट का ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ध्यान से पहले एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, फिर हो सकता है ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ आ जाए. एक होता है सर ट्रांजिट लॉस, ट्रांजिट लॉस. एक होता है प्रोसेसिंग लॉस. दोनों में ना फर्क है. एक होता है ट्रांजिट लॉस और एक होता है प्रोसेसिंग लॉस. ट्रांजिट लॉट और प्रोसेसिंग लॉस में क्या फर्क है भाई? घोषाल कह रहे हैं पॉइंट नंबर 5 शुड बी आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड. मैं देख लेता हूं क्या है पॉइंट नंबर 5 में. हां, आईटीसी आप अवेल कर लो, आईटीसी यूटिलाइज कर लो, सब कुछ कर लो. आप तो ये मान के चलो कि आप 180 दिन में पेमेंट कर दोगे, नहीं करते तो कल को रिवर्स कर देंगे. तो ट्रांजिट लॉस का मतलब क्या है? लॉस ड्यूरिंग ट्रांजिट, लॉस ऑफ इनपुट्स, लॉस ऑफ इनपुट्स ऑन इट्स वे फ्रॉम सप्लायर टू रिसीवर. मतलब सामान अभी रास्ते में है, सप्लायर से चल के रिसीवर तक जा रहा है, तो सप्लायर से माल चला
और रिसीवर तक जा रहा है, सप्लायर से चल के रिसीवर तक जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट लॉस। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद है लॉस ऑफ इनपुट्स आफ्टर ट्रांजिट एंड्स, आफ्टर ट्रांजिट एंड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एट द प्लेस ऑफ रिसीवर, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एट द प्लेस ऑफ रिसीवर। क्या मतलब हुआ इसका कि ये ध्यान से देखना कि हमने इनपुट्स खरीदे वो रास्ते में सही और सुरक्षित हम तक पहुंच गए, अब वो हमने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में रॉ मटेरियल को डाला होगा और पता नहीं कौन सी आग लगी कि रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया, कोई वेस्टेज हो गई, कोई प्रोसेसिंग में माल खराब हो गया जो हमने खरीदा, हो सकता है ना, ये दोनों हो सकते हैं, आराम से चेक कर लो। तो हम सर ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अरे हम यूं पढ़ रहे हैं कि ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने 1000 किलो माल मंगाया तो बिल पे तो 1000 किलो लिखा है, लेकिन 10 किलो रास्ते में लीकेज हो गई, हमारे पास 9990 किलो ही पहुंचा, 10 किलो लीकेज हो गई, तो हम जो ITC लेंगे वो 10000 किलो पे लेंगे क्योंकि इनवॉइस लिखा हुआ है, या फिर जो एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव हुई उस पे। रूल तो ये कहता है ना कि जितना बिल पे लिखा है वो सारा पहले प्राप्त हो जाना चाहिए, और जब तक प्राप्त नहीं हुआ ITC नहीं ले सकते, यही तो नियम है ना। जब तक बिल पे लिखा हुआ सारा माल रिसीव नहीं हो जाता तब तक आप ITC ले नहीं सकते। तो हमने मंगाया था 10000 किलो वो, या 1000 किलो, 1000 किलो में 10 किलो वो हो गया वेस्टेज, तो 990 किलो में रिसीव हुआ 1000 में से, तो हम 990 का क्रेडिट लें या पूरे 1000 का, ये हमें समझना है। और चलो 990 किलो रिसीव हुआ, उसको हमने फैक्ट्री के अंदर प्लांट में मशीन में डाला, तो 990 में 90 किलो आग में जल गया, 900 किलो बचा केवल प्रोसेसिंग के लिए, तो 900 किलो पर ITC लेंगे, 990 पर ITC लेंगे या पूरे 1000 किलो पर ITC लेंगे, ये अपने को देखना है। ये रूल है जो हमें यहां समझना है। देखिए, जो हमारे पास ट्रांजिट लॉस है वो दो प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और इसी प्रकार प्रोसेसिंग वाला लॉस भी दो प्रकार का हो सकता है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। एक हमारे पास ट्रांजिट का नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया और एक हमारे पास प्रोसेसिंग का नॉर्मल एबनॉर्मल हो गया। प्लीज चेक कर लीजिए, ध्यान से देखेंगे कि अगर रास्ते में जो माल था लीकेज हो गया, नॉर्मल लॉस है, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर नॉर्मल लॉस एंड टेक ITC ऑन लॉस्ट यूनिट्स एज वेल। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है भाई, जो नॉर्मल लॉस है हमने कॉस्टिंग में सुना है कि वो तो अनकंट्रोलेबल है, और फिर आप कॉस्टिंग चैंपियन है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट द ग्रेट। यहां पर ध्यान से देखिए, रास्ते में जो थोड़ी बहुत लीकेज नॉर्मल लॉस के नाम पर हो जाती है उसकी वजह से ITC के अमाउंट को कम नहीं करना है। इग्नोर नॉर्मल लॉस एंड टेक ITC ऑन लॉस्ट यूनिट्स एज वेल, जो यूनिट खो गई, जो यूनिट खराब हो गई, जो रास्ते में नॉर्मल लॉस हो गया, उसको भी हम ITC के लिए कंसीडर कर लेंगे, उस पर भी ITC ले लेंगे, उसका ITC डिक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया तो सरकार ये नहीं मानती कि एबनॉर्मल लॉस है, सरकार कह रही है आधे रास्ते में बेच दिया होगा तूने, तो इसमें क्या करें सर,
कंसीडर एबनॉर्मल लॉस, कंसीडर एबनॉर्मल लॉस एज डिडक्शन फ्रॉम आईटीसी एंड डू नॉट टेक आईटीसी, डू नॉट टेक आईटीसी, डू नॉट टेक आईटीसी ऑन यूनिट्स लॉस्ट. जो यूनिट लॉस हो गई उन पर आईटीसी मत लीजिए. अगर हम एबनॉर्मल ट्रांजिट लॉस की बात कर रहे हैं, पहले वाले दोनों ट्रांजिट की बात हो रही है. रास्ते में 1000 किलो में से 300 किलो माल गायब हो गया, इतनी लीकेज हो रही थी भाई. बड़ा सड़क पे पानी फैल गया होगा फिर तो, बड़ा सड़क पे गड़बड़ हो गई होगी फिर तो, लोग यही देख रहे होंगे टैंकर से क्या निकल रहा. तो एबनॉर्मल लॉस को सरकार मान्यता नहीं देती. सरकार कह रही बेटा 300 किलो जो गायब हुआ ना, तूने लपेट डाला होगा रास्ते में, क्रेडिट नहीं दूंगी उतने का, मैं देख ले तू. तो वो ये रूल है यहां पर. अच्छा, अब देखते हैं सर इसके बारे में, नॉर्मल लॉस प्रोसेसिंग वाला और एबनॉर्मल लॉस प्रोसेसिंग वाला, इन दोनों में सेम ट्रीटमेंट है. अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है. दोनों में सेम ट्रीटमेंट क्या है? इग्नोर प्रोसेसिंग लॉस, इग्नोर प्रोसेसिंग लॉस वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, इग्नोर प्रोसेसिंग लॉस वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल. इग्नोर करना है प्रोसेसिंग लॉस, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, बिकॉज आईटीसी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड आफ्टर रिसीट ऑफ गुड्स. After receipt of goods, ठीक है, इसको लिख लो भाई. चाहे लॉस नॉर्मल कैटेगरी का हो और चाहे लॉस एबनॉर्मल कैटेगरी का हो, कैसा ही लॉस हो हमारी बला से, रूल क्या था, कंडीशन क्या थी आईटीसी का, कंडीशन क्या कहता था कि माल रिसीव हो जाना चाहिए. अगर माल रिसीव हो गया फिर प्लांट में प्रोसेसिंग लॉस हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, आईटीसी तो पूरे पे मिलेगा, बल्ले बल्ले. इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक लॉस ऐसा है, एबनॉर्मल ट्रांजिट लॉस ऐसा है जिसकी वजह से आईटीसी का पैसा एडजस्ट करना पड़ता है. इसके अलावा आईटीसी के पैसे को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो आइए एक्सप्लेनेशन लिखते हैं इस टॉपिक की. छोटी सी एक्सप्लेनेशन है. पॉइंट वन, एज पर कंडीशंस ऑफ आईटीसी, एज पर कंडीशंस ऑफ आईटीसी कंप्लीट गुड्स विच हैव बीन बिल्ड इन द इनवॉइस complete goods which have been billed in invoice which have been billed in invoice as per conditions of ITC complete goods jinko humne invoice mein bill karwaya hai must have been received. वो हमें रिसीव हो चुका होना चाहिए. मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, एक बात पक्की समझ आ गई, वो हमें 100% रिसीव हो जाना चाहिए. ठीक है, बट समटाइम्स, कभी कभी क्या हो जाता है, समटाइम्स ट्रांजिट लॉस एंड प्रोसेसिंग लॉस अकर्स, समटाइम्स ट्रांजिट लॉस एंड प्रोसेसिंग लॉस अकर्स. कभी कभी ट्रांजिट का नुकसान
और प्रोसेसिंग का नुकसान हो जाता है। तो जब ये हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनका ट्रीटमेंट पढ़ना चाहिए। पॉइंट टू, इफ इट इज अ प्रोसेसिंग लॉस, सबसे पहले देखो अगर ये प्रोसेसिंग लॉस है, इफ इट इज अ प्रोसेसिंग लॉस तो हम क्या करें, कॉमा, इट मस्ट नॉट डिक्रीज इफ इट इज अ प्रोसेसिंग लॉस, इट मस्ट नॉट डिक्रीज एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी की वैल्यू इसमें कम नहीं होनी चाहिए, इट मस्ट नॉट डिक्रीज एलिजिबल आईटीसी। क्यों, इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट इज बिकॉज गुड्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, गुड्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, इट इज बिकॉज गुड्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड एंड कंडीशन इज टेक्निकली फुलफिल्ड। हम सेक्शन नंबर दोस्तों लिखते नहीं, लेकिन वैसे ये सेक्शन 16 है, उसमें लिखा है साफ साफ के समान प्राप्त हो जाना चाहिए, प्राप्त हो गया ठीक, एंड कंडीशन इज टेक्निकली फुलफिल्ड। क्लियर हो गई जी बात। चलो पॉइंट थ्री, इन केस ऑफ ट्रांजिट लॉस, अगर हमारे पास ट्रांजिट लॉस हो तो क्या करें, इन केस ऑफ ट्रांजिट लॉस कॉमा ओनली एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रांजिट मस्ट बी एडजस्टेड, ओनली एबनॉर्मल लॉस ऑफ ट्रांजिट मस्ट बी एडजस्टेड फ्रॉम एलिजिबल आईटीसी, फुल स्टॉप। इसी के आगे लिखें द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल ट्रांजिट लॉस, the quantity of normal transit loss must not decrease eligible ITC। क्लियर हो गई जी बात, आराम से इसको चेक करिए राइट। सो हमने ये वाला ट्रीटमेंट पढ़ लिया पूरा, अब हम लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप सब लोग पहले ये वाला नोट कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आराम से बिल्कुल लिखते रहिए, सब कुछ कवर होगा, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात। चलो अब ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या खेल है, मैं समझाता हूं आईटीसी से डेप्रिसिएशन का क्या रोल है और डेप्रिसिएशन का आईटीसी में क्या चक्करबाजी आ गई। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम इसको समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पर कैसे आ गया। अब आप एक बात सोचो, जब तुम 10 लाख रुपए की कोई मशीन खरीद के लाए तो 10 लाख रुपए की मशीन तुम्हें 10 लाख की कहां पड़ी, उस पर 18% जीएसटी लग गया होगा, तो तुम्हें वो मशीन पड़ी दोस्तों 11,80,000 रुपए की। 10 लाख रुपए की मशीन और 1,80,000 रुपए का, 1,80,000 रुपए का हमारा जीएसटी, तो कुल मिलाकर हमें कितने रुपए पे करे, 11,80,000। अब तुम्हें अपने बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो डेप्रिसिएशन कितने रुपए पे लगेगा, सिर्फ एसेट की वैल्यू जो कि 10 लाख है उस पर, या टोटल 11,80,000 रुपए पर जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है,
सर ऐसे थोड़ी करना चाहिए, जीएसटी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा भाई? चॉइस है, चॉइस तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जीएसटी का पोर्शन जोड़ देते हो, उसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेते हो, 10 लाख रुपए की मशीन और 1.80 जीएसटी कुल मिला के तुम ये बुक्स में दिखाते हो कि मैंने 11,80,000 की मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी की कॉस्ट की एंट्री 11,80,000 से होगी और डेप्रिसिएशन भी 11,80 पर लगेगा, फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने उसे मशीन की कॉस्ट मान लिया। और यदि तुम चाहते हो कि 1.80 मशीन की कॉस्ट में ना जुड़े, वो तो आईटीसी के लिए आईटीसी के रूप में हमारे सामने रहना चाहिए, तो इसमें भी तुम्हारे पास सिस्टम है, 10 लाख रुपए की मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाओ और 1,80,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन ना लगाकर 1,80,000 रुपए का आईटीसी अवेल कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास चॉइस है, या तो इनकम टैक्स में एडवांटेज ले लो या जीएसटी में। अगर 11,80 पर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम होगा, और अगर 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो वहां केवल 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा, 1.80 से डेप्रिसिएशन पे तो इफेक्ट पड़ा नहीं, तो 1.80 का यहां पर आईटीसी ले लो। दो में से एक चॉइस है, जैसा तुम चाहे वैसा कर सकते हो। ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुमार अभिषेक कह रहे हैं साउंड नहीं आ रही, सब लोग चेक कर लें, ऑल ऑफ यू प्लीज चेक वेदर द साउंड इज क्लियर और नॉट। एक बार पहले चेक कर लें, मैं तब तक लाइन लिखता हूं, आप लोग नोटिंग कर लीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, पॉइंट वन, वेन एवर वी बाय या एक्वायर, वेन एवर वी बाय और एक्वायर, चेक करो भाई सब लोग, वॉइस चेक करो, वेन एवर वी बाय और एक्वायर फिक्स्ड एसेट विच आर डेप्रिशिएबल इन नेचर, विच आर डेप्रिशिएबल इन नेचर, जो क्या है, डेप्रिशिएबल इन नेचर है, जब भी हम एसेट खरीदते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, कॉमा, वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू ऑप्शंस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट। पॉइंट टू, वी कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड जीएसटी कॉम्पोनेंट, वी कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड जीएसटी कॉम्पोनेंट इन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिपेंडिंग अपॉन अवर चॉइस, ये हमारा मन है, डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस, ये हमारी इच्छा है कि अपने को क्या करना है, ये हमारी हमारे मन की बात है, इसमें सरकार ने कोई जोर जबरदस्ती हमसे नहीं कर रखी है कि भाई तुम ऐसे ही करो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस वे फॉलोइंग टू ऑप्शंस, दिस वे फॉलोइंग टू ऑप्शंस एग्जिस्ट फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, किसके लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, ऑप्शन वन जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट
excluding GST. और ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडिंग जीएसटी. ठीक है. सो वन वे इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सेकेंड वे इज इंक्लूडिंग जीएसटी. सो इन द फर्स्ट ऑप्शन यू टेक आईटीसी, यू डोंट टेक डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट. बट इन द सेकेंड केस, बिकॉज यू हैव इंक्लूडेड जीएसटी इन द वैल्यू ऑफ एसेट इटसेल्फ, so you will be charging depreciation on the GST component and not taking ITC at all. Clear? Priya ji keh rahe hain ye video YouTube par available rahegi. Nahi nahi, ye abhi isi samay live hi dekh sakte ho aap. Chalo, so point number 3, in case of option 1, ITC can be taken and depreciation is not computed किस पर? On GST component. ठीक है. Point 4, In option two, ITC cannot be taken. ITC cannot be taken and depreciation shall be computed on total value including GST component. ठीक है दोस्तों. चलो, ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन. प्लीज चेक कर लीजिए, आप सबको ये बात समझ आ गई होगी. हमारा ये वाला हेडिंग भी कंप्लीट हो गया. All right. Now we'll see time limit to avail ITC. सब लोग आराम से इसको चेक कर लीजिए. अब अगला हमारा टॉपिक है टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी. आईटीसी अवेल करने की शर्तें क्या क्या हैं? वो तो हम पढ़ चुके. उसके बाद दो छोटे छोटे एडजस्टमेंट हमने सीख लिए, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ, बताओ, एक तो डेप्रिसिएशन सीख लिया था और एक था दूसरा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ लॉस. अब हम पढ़ेंगे टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी. सब लोग फटाफट टाइप कर दीजिए यस, कि आपको सब कुछ समझ आया कि नहीं समझ आया. ये जरूर बताया करिए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ. वैसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ क्लियर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी देखो क्या है. आईटीसी लेने का जो प्रोजेक्ट है, वो ऐसा नहीं है कि वो 5-10 साल तक तुम आराम से आईटीसी का इंतजार करते रहोगे और हां साहब आईटीसी ले लेंगे. ऐसे थोड़ी चलता है भाई. आज तुमने माल खरीदा तो 180 दिन के अंदर तो पेमेंट कर ही दोगे. तो 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे, वो अपना रिटर्न सेल का दिखा देगा, तुम अपना रिटर्न परचेज का दिखा दोगे. कंडीशन पूरी अगर तुम कर लेते हो आज नहीं तो कल आईटीसी ले लो. लेकिन कब तक इंतजार करेगी सरकार? तुम 6 साल पुराना आईटीसी का परचेज का बिल उठा के बोलोगे अरे वो रह गया था, इसका क्रेडिट लेना, अब ले लें? नहीं. आज किसी ट्रांजेक्शन का आईटीसी लेने के लिए तुम एलिजिबल हो, आज किसी ट्रांजेक्शन का आईटीसी लेने का तुम्हें हक है. तुम आज आईटीसी ले नहीं रहे, 1-2 साल बाद तुम अचानक से जाग जाते हो और तुम कहते हो अरे वो आईटीसी लेना रह गया था.
तो भाई अब तक कहां थे तुम, अब तक क्यों नहीं ले पाए आईटीसी? तो ये थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो पंचवर्षीय योजना नहीं है। हिसाब इंतजार कर रहे हैं 5 साल में लागू करना, अपने को धीरे धीरे करेंगे, सारा काम एक साथ कैसे कर ले? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की एक अधिकतम समय सीमा है, वो अगर गुजर गई तो कंप्यूटर की पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगी आईटीसी। ठीक है, चलो देखते हैं। पॉइंट वन, इफ वी आर एलिजिबल टू टेक आईटीसी ऑन अ पर्टिकुलर परचेज, ऑन अ पर्टिकुलर परचेज कॉमा वी मस्ट अवेल एंड यूटिलाइज, वी मस्ट अवेल एंड यूटिलाइज द आईटीसी एज सून एज पॉसिबल, है ना? तुरंत आईटीसी ले लेना चाहिए। नहीं साहब, वो लेंगे आईटीसी बाद में। अरे बाद में क्यों लेंगे आप, ये नहीं समझ आ रहा मेरे को। यदि आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं, एक पर्टिकुलर परचेज आपने करी जिसमें आईटीसी की जितनी कंडीशन 5-6 थी वो सारी आपने पूरी कर दी, आप बिल्कुल हकदार हो आईटीसी लेने के लिए, तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं साहब आप? आप करते रहिए प्रतीक्षा, सरकार प्रतीक्षा नहीं करेगी। पॉइंट नंबर टू, आईटीसी मस्ट बी टेकन, आईटीसी मस्ट बी टेकन ऑन और बिफोर, आईटीसी मस्ट बी टेकन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी। आईटीसी जो है, आईटीसी अवेल करने की जो भी अंतिम तिथि होगी उससे पहले पहले ले लेना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज द अवेलेबल आईटीसी, अदरवाइज द अवेलेबल आईटीसी विल लैप्स। जो भी अवेलेबल आईटीसी है वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अदरवाइज द अवेलेबल आईटीसी विल लैप्स। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर थ्री, लास्ट डेट टू अवेल ITC is as follows. Last date to avail ITC is as follows. Last date क्या है भाई? Last date है return of September month. Return of September month. Of the next financial year or annual return of current financial year, annual return of current financial year, ठीक है, whichever is अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक करके देखते हैं। आप पहले से नोट कर लीजिए, आईटीसी अवेल करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है? सितंबर महीने का, अगले साल के सितंबर महीने का रिटर्न और इस साल का एनुअल रिटर्न। ठीक है, अगले साल के सितंबर महीने का रिटर्न और इस साल का एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। अब इसको देखकर आपको स्पष्ट नहीं होगी स्थिति, बेफिक्र रहिए, हम अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चल पॉइंट नंबर फोर, लास्ट डेट ये जो हम डेट लिख रहे हैं, ये रिटर्न भरने की डेट टेंटेटिव यही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कभी कभी सरकार चेंज कर देती है। लास्ट डेट ऑफ सितंबर मंथ रिटर्न
is 20th October and last date of annual return is 31st December. अब इस लाइन को देखकर आपको लगेगा हमेशा अक्टूबर ही अर्ली आएगा। अगर कोई ये लाइन पढ़ ले जिसमें लिखा है कि सितंबर महीने की जो अंतिम तिथि है रिटर्न भरने की, तो वो तो अगले महीने की 20 तारीख है, 20 अक्टूबर। और अगर हम एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न की जो अंतिम तिथि है वो है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर और 20th अक्टूबर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि सर कैसी बात कर रहे हो, विच एवर इज अर्लियर, ये तो 20 अक्टूबर ही अर्ली बैठेगी। दोस्तों ये तो लास्ट डेट्स हैं, क्या पता जिस रिटर्न की लास्ट डेट 31 दिसंबर है वो आपने अक्टूबर से भी पहले भर दिया, और जिस रिटर्न की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है वो आपने 20 अक्टूबर को भरा, ये भी तो हो सकता है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, समझ आएगा। ठीक है चलो, अब एक एग्जाम्पल समझो आप। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए फॉरगॉट टू टेक आईटीसी ऑफ एन इनवॉइस डेटेड 28 फरवरी 2023। ठीक है, ही फाइल्स सेप्टेंबर रिटर्न्स जनरली ऑन लास्ट डेट दैट इज 20th October, एंड ही फाइल्स एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑन 5th July 2023। फाइंड आउट लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी ऑफ द सेड इनवॉइस। इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। हां घोषाल कह रहे हैं नॉट नेसेसरीली वन कैन फाइल एनुअल रिटर्न अर्लियर, ऑब्वियसली। So 31st December was the last date, right? And 20th October is the last date. You can very much file your return in advance. The same I've done in this question. Mr. A forgot to take ITC of an invoice, jiska date hai 28 February 2023. So we have purchased something on 28 February. To hume iska ITC le lena chahiye tha February month ke return mein hi. Lekin humne Feb month ke return mein ITC lena hum bhul gaye. He files September returns generally on last date and annual return of 22-23 on 5 July 2023. Find out last date to avail ITC of the said invoice. अब ये पूरा क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में से डेटा ढूंढने की कोशिश करते हैं, कौन सा काम का है कौन सा काम का नहीं है। मेरी नजर में तुम्हें यह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा डेटा काम का है कौन सा काम का नहीं है। तुम तो बस एक बात ध्यान रखो कि जो भी डेटा तुम्हारे काम का है वो तो हम ढूंढ लेंगे। पहले फार्मूला बनाओ, पहले रूल बनाओ, पहले आंसर लिखने की तैयारी करो। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है हमारे फॉर्मूले के मुताबिक, हमारे रूल के मुताबिक लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी क्या है? अर्लियर ऑफ द टू
दो में से कोई एक ऑप्शन अर्लियर है, ठीक है। ऑप्शन वन, ऑप्शन वन क्या है? सेप्टेंबर मंथ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब ध्यान से देखो आप, हम एक जो इनवॉइस हम क्रेडिट लेना भूल गए, जो इनवॉइस का क्रेडिट लेना हम भूल गए, वो किस डेट का इनवॉइस था? 28 फरवरी। इसका मतलब यह हुआ कि कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है? इसका मतलब कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है? 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई एक पर्टिकुलर महीना फरवरी का क्रेडिट लेना हम भूल गए, तो 22-23 की तो बात चल रही है। 22-23 के बाद आएगा 23-24। रूल चेक करो, ऑप्शन वन क्या था? सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये 22-23 है, तो 23-24 के सितंबर, तो 23 सितंबर 23 हुई ना। सितंबर मंथ रिटर्न ऑफ नेक्स्ट ईयर इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ सितंबर 2023, है ना। और ये कब भरा हमने? क्वेश्चन में गिवन है 20th of October 2023। और ऑप्शन टू क्या है? ऑप्शन टू क्या है? एनुअल रिटर्न ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, एनुअल रिटर्न ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23 इज इक्वल टू एनुअल रिटर्न ऑफ 22-23, ठीक है, एनुअल रिटर्न ऑफ 22-23। और ये हमने कब भरना चाहिए था? हमने भरना चाहिए था 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी, 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट थी। लेकिन हमने भरा कब? हमने भरा 5 जुलाई 2023। तो बताइए अर्लियर क्या आया? ऑप्शन वन या टू? टू। सो लास्ट डेट टू अवेल आईटीसी शैल बी 5th जुलाई 2023। आराम से चेक करके बताइए समझ आया कि नहीं समझ आया। ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताएं। हमको ये बातें समझ आई कि नहीं समझ आई, प्लीज बताइए। यस एवरीबॉडी, इसके बाद अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे, ब्लॉक्ड आईटीसी। यस वेरी नाइस, समझ आया है सबको, बिल्कुल स्पष्ट है ये जो भी आपने देखा। इसमें याद रखिएगा कि हमेशा अक्टूबर अर्ली आएगा, ये नहीं याद कर लेना है। कभी आप यही रट के बैठ जाओ कि हमेशा अक्टूबर अर्ली आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अक्टूबर अर्ली आएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे ब्लॉक्ड आईटीसी। ब्लॉक्ड आईटीसी, ब्लॉक्ड आईटीसी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको यह बता दूं कि जो टॉपिक इस समय आप पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे कीमती है। ब्लॉक्ड आईटीसी दिसंबर 2019 में 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2018 में 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जून 2019 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और दिसंबर 2021 में 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सोचिए, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सपोज वी डोंट पे इन 180 डेज, रिवर्स द आईटीसी बट पे लेटर, देन दिस टाइम लिमिट वोंट बी एप्लीकेबल, राइट? राइट, करेक्ट। चलो भाई, अब हमारा टॉपिक है ब्लॉक्ड आईटीसी का। तो सबसे पहले ये समझिए कि ब्लॉक्ड आईटीसी जो है
उसमें ऐसा नहीं है कि आईटीसी हमेशा के लिए मना हो रहा है। ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब यह नहीं है कि हम आपको आईटीसी लेने नहीं देना चाहते। ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब यह नहीं है कि सरकार आपसे आईटीसी का हक छीन रही है। भाई ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब यह है कि जिस चीज का क्रेडिट आप लेना चाहते हो, सरकार कह रही है कि वो आपका इनपुट ही नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज आपको तब मिलेगा ना जब इनपुट कोई चीज होगी। मान लो आपने कुछ ऐसा खरीदा जिसको सरकार कह रही है ये तो तुम्हारा इनपुट ही नहीं है, तुमने खरीद के करल भी क्या लिया, ये क्यों खरीदा तुमने। मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि ये जो तुमने खरीदा ये इनपुट ही नहीं है, तो फिर क्रेडिट किस बात का, ये सोचिए। तो हमें दो बातें ध्यान से समझनी चाहिए। सरकार कुछ चीजों पर आईटीसी नहीं दे रही। हम लाख कहते रहें कि ये तो हमारे बिजनेस का इनपुट है, ये तो हमारे लिए परचेस करना जरूरी है, इसको परचेस करे बिना हमारा व्यापार हो नहीं सकता, लेकिन सरकार कह रही है जब मैं मना कर चुकी ये खरीदने पर आईटीसी नहीं है तो बात खत्म नहीं है, नमस्ते, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, उदाहरण के लिए क्या, वैसे तो लंबी लिस्ट है हमारे पास, लगभग 3-4 पन्नों में मेरे पास मेरे ब्लॉक्ड क्रेडिट ही है भाई, 1, 2, 3, 4 पन्नों में ब्लॉक्ड क्रेडिट है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि टेलीकॉम कंपनी, इमेजिन करिए बिना टेलीकॉम टावर के कैसे काम चलाएगी। टेलीकॉम कंपनी को तो टेलीकॉम टावर चाहिए ही ना, लेकिन टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम टावर लगाएगी, खरीदेगी, इस्तेमाल करेगी, तब भी टेलीकॉम टावर खरीदने पर आईटीसी प्राप्त नहीं होगा। सोचिए आप कितना कमाल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सरकार नहीं चाहती कि सरकार प्रमोट करे टावर्स, टेलीकॉम टावर को इंस्टॉल करने की प्रैक्टिस सरकार नहीं चाहती कि देश में बढ़े। सरकार कह रही है कुछ और खरीदो एंटीना, उसका क्रेडिट दे दूंगी लेकिन इसका क्रेडिट तो नहीं दूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है मोटर व्हीकल, हमारी कंपनी कह रही है हमने एक कार खरीदी ताकि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को उनके घर से ऑफिस लाया जा सके और उनको जहां जहां मीटिंग में जाना है वहां वहां ले जाया जा सके। तो कार कंपनी की एसेट है, कंपनी पे करेगी और कंपनी की ओनरशिप में रहेगी, हमें क्रेडिट ले लें दो ना। सरकार कह रही है सुनाई नहीं दे रहा, एक बार में मोटर व्हीकल पर आईटीसी नहीं मिलेगा। सरकार को यह शक है कि पता चला कि लोग घर पे अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदेंगे और आईटीसी जो है वो लेने लगेंगे। इसलिए अपने को समझना है, इसलिए अपने को याद करना है, अपने को लिस्ट लिखनी है उन सभी ट्रांजैक्शंस की, उन सभी परचेज की, उन सभी इनपुट्स की जिन पर क्रेडिट मिलना सरकार ने मना कर रखा है किसी ना किसी वजह से। आइए ठीक है, तो ब्लॉक्ड आईटीसी में पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ब्लॉक्ड आईटीसी में हम पहले मतलब लिखेंगे कि ब्लॉक्ड आईटीसी क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ब्लॉक्ड आईटीसी के बारे में नोटिंग शुरू करिए, बिना नंबर का पहले पैराग्राफ डालिएगा। ब्लॉक्ड आईटीसी मींस, ब्लॉक्ड आईटीसी का मतलब क्या है, ब्लॉक्ड आईटीसी मींस आईटीसी नॉट अलाउड टू बी टेकन, either completely और partially। आईटीसी जो है वो completely allowed नहीं है लेना या फिर partially allowed नहीं है लेना, and आईटीसी may be allowed to one person
इन वन सिचुएशन एंड मे बी डिसअलाउड टू समवन एल्स इन द सेम सिचुएशन. Someone else in the same situation. Similarly, ITC may be allowed to a person in one situation and may be disallowed to same person in some other situation. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक इंसान को आईटीसी डिसअलाउड है. क्या मतलब? आईटीसी एक बार डिसअलाउड है किसी व्यक्ति को, और किसी दूसरे सिचुएशन में उसी व्यक्ति को आईटीसी अलाउड है. यह हो सकता है सेम पर्सन दो सिचुएशंस, एक ही आदमी को, सेम पर्सन को दो सिचुएशन में से एक में आईटीसी अलाउड, एक में डिसअलाउड, या फिर सेम सिचुएशन दो लोग, एक लोग को आईटीसी अलाउड, एक को डिसअलाउड. क्रेजी कह रहे हैं अमेंडमेंट फॉर आईटीसी अवेल 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बट प्रॉब्लम यह है इवन इन द न्यू स्टडी मैट 30th नवंबर वॉज मिसिंग. द क्वेश्चन वॉज सॉल्व विद द ओल्ड रूल, दैट इज वाई आई वॉज नॉट कवरिंग टू इट. All right, and we can also have a double check on it. अगर इंस्टीट्यूट ने कोई मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करा जिसमें नए रूल से क्वेश्चन सॉल्व करा तो हम नया रूल पढ़ लेंगे. ठीक है, I'll get back to you on this. हां जी, तो ITC किसको अलाउड है और किसको अलाउड नहीं है, एक तो पर्सन वाइज प्रॉब्लम है और एक सिचुएशन वाइज प्रॉब्लम है. सेम इंसान को एक सिचुएशन में आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा, सेम इंसान को दूसरी सिचुएशन में आईटीसी डिसअलाउ कर दिया जाएगा. उसी प्रकार एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति को आईटीसी अलाउ, दूसरे व्यक्ति को आईटीसी डिसअलाउ, ऐसा कैसे होगा वही हम सबको समझना है. आइए, स्वागत आप सबका एक बार फिर ब्लॉक्ड आईटीसी में. राइट, इसमें लिखेंगे following are the situations of blocked ITC. Following are the situations of blocked ITC. पहला, motor vehicle. पहला लिखेंगे motor vehicle. Motor vehicle में क्या रूल है? देखो ऐसा है, मोटर व्हीकल के हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं. उन सिचुएशंस में यदि गाड़ी खरीदोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा, और उन सिचुएशंस के अलावा अगर किसी भी और रीजन से गाड़ी खरीदोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा. यह देखना है अपने को. दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा. हमारे पास मोटर व्हीकल के चार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जिनमें आईटीसी अलाउड है. तो यदि तुमने मोटर व्हीकल खरीदा और तुम उन चार में से किसी एक में फॉल कर जाते हो तो तुम्हें आईटीसी प्राप्त हो जाएगा, वरना तुम्हें आईटीसी प्राप्त नहीं होगा. एक तो यह बात समझनी है. ठीक है, इसको लिख लेते हैं फिर अगली बात करते हैं. मोटर व्हीकल, लिखिएगा इफ मोटर व्हीकल इज ऑफ
मोर देन 13 पैसेंजर्स, इफ मोटर व्हीकल इज ऑफ मोर देन 13 पैसेंजर्स, आईटीसी अलाउड सब्जेक्ट टू बिजनेस पर्पस। तो पहली बात तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि आपने मोटर व्हीकल खरीदा एक 13 पैसेंजर से ज्यादा वाला, 13 पैसेंजर से ज्यादा वाला, जो 13 पैसेंजर से ज्यादा वाला गाड़ी होगा उसका आईटीसी सबको अलाउड होगा, उसका क्रेडिट आपको बिना सोचे समझे अलाउड हो जाएगा, लेकिन 13 लोगों तक वाली जो गाड़ी है उसमें कलेश है, धोखाधड़ी उसमें ज्यादा है, उसमें नियम है कि नीचे दिए गए 4 केस में अगर आप फंसते हो कहीं पर तो आईटीसी आपको दे देंगे, वरना आपको मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं देंगे। लिखो हाउएवर आईटीसी ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल शैल नॉट बी अलाउड फॉर दोज मोटर व्हीकल्स विच कैरी मैक्सिमम 13 पैसेंजर्स, विच कैरी मैक्सिमम 13 पैसेंजर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग 4 केसेस, एक्सेप्ट द फॉलोइंग 4 केसेस। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से देखो आप, अगर 13 लोगों से ज्यादा वाली गाड़ी है, 13 पैसेंजर से ज्यादा बड़ी गाड़ी है, 13 से ज्यादा बड़ी गाड़ी है, तो फिर तुमने कुछ सोच समझ के खरीदी होगी, क्या पता एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए खरीदी हो, किसी और पर्पस से खरीदी हो, तो कोई बात नहीं, तो तुम्हें आईटीसी अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर 13 लोगों तक वाली गाड़ी है तो तभी अलाउ करेंगे जब नीचे 4 केसेस में फंसोगे, नीचे दिए गए 4 केस के अलावा अगर गाड़ी खरीदोगे तो आईटीसी को में परमिशन हम नहीं देने वाले, तो हम तुम्हें आईटीसी की परमिशन बिल्कुल नहीं देने वाले। वो 4 केस कौन कौन से हैं, पहला हमने गाड़ी खरीदी किस लिए, फर्दर सप्लाई के लिए, मोटर व्हीकल्स परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब हम खरीद के इसको आगे बेच देते हैं, मोटर व्हीकल परचेज्ड फॉर फर्दर सप्लाई, हमने खरीदा और हमने आगे उसको बेच दिया। अगला लिखें मोटर व्हीकल्स परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, हमारा बिजनेस ही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का है भाई, फिर तो टैक्सी खरीदेंगे तो फिर आईटीसी कौन मना कर देगा हमें, हमारा बिजनेस ही वही है, ठीक। तीसरा मोटर व्हीकल्स परचेज्ड फॉर गिविंग ट्रेनिंग, मतलब वो चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो, गाड़ी चलाना हो, उसके लिए हमने गाड़ी खरीदी, या फिर मोटर व्हीकल्स परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए अगर गाड़ी खरीदी तो भी हमें आईटीसी मिल जाएगा। तो दोबारा याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, अगर हमारी गाड़ी 13 पैसेंजर्स से
अगर हमारी गाड़ी 13 पैसेंजर्स से ज्यादा वाली है और बिजनेस पर्पस के लिए हमने गाड़ी खरीदी है तो ITC मिल जाएगा। तो सर घर के पर्पस के लिए कोई 13 लोगों से ज्यादा बड़ी गाड़ी क्यों खरीदेगा? अरे यार खरीदने वाले का मन अपने को क्या सोचना है इस बारे में। किसी ने मान लो खरीद ही डाली, उसके घर में 108 लोग हैं तो पूरा जॉइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह रहते हैं सब लोग इकट्ठे एक ही जगह, तो क्या कर लोगे तुम? उसने 90 लोगों वाली बस खरीद डाली। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना ना, तुमको बस इतना याद रखना है कि 13 लोगों से ज्यादा वाली बस, 13 लोगों से ज्यादा वाली गाड़ी खरीदी तो ITC दे देना, बिजनेस यूज के लिए खरीदी तो। 13 लोगों तक वाली गाड़ी खरीदोगे और इन चार पर्पस में से किसी के लिए खरीदोगे तो क्रेडिट मिल जाएगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये चारों में और है, चारों शर्तें पूरी थोड़ी करनी है, इन चार में से कोई भी एक शर्त पूरी कर दो तो आपको ITC प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा पहला हेडिंग हो गया मोटर व्हीकल। ये ब्लॉक क्रेडिट का पहला हेडिंग था मोटर व्हीकल। चेक करके बताओ आपको समझ आया कि नहीं समझ आया, प्लीज बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। यस प्लीज फटाफट देखो बताओ, बताने के बाद ही आपको समझ आएगा। अगली हेडिंग है फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, आउटडोर कैटरिंग कॉमा ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद हेल्थ सर्विसेज, कॉमा कॉस्मेटिक सर्जरी, एंड प्लास्टिक सर्जरी। ये सब कुछ बदमाशों ने एक ही हेडिंग में बना रखा है। बदमाश कौन? GST लिखने वाले लोग, जिन्होंने GST के प्रोविजन लिखे, उन्होंने इन सबको एक ही प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो अगर ये सब कुछ खरीदेंगे आप तो ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तीनों, ये कितनी चीजें हैं? एक फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा आउटडोर कैटरिंग, तीसरा ब्यूटी ट्रीटमेंट, चौथा हेल्थ सर्विसेज, पांचवा कॉस्मेटिक सर्जरी, छठा प्लास्टिक सर्जरी। इनको खरीदेंगे तो आपको ITC नहीं मिलने वाला। तो सर हम भला इन्हें क्यों खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे, जरा सोचो। मैं मान लीजिए कि आप जो हैं एयर इंडिया हैं, आपने अपने फ्लाइट अटेंडेंट, फ्लाइट स्टूअर्ड, एयर होस्टेस के मेकअप के लिए, उनका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने के लिए आपने किसी ब्यूटी चेन को, किसी पार्लर को हायर किया, आपने लॉरियल वालों को कहा या आपने लैक्मे वालों को कहा कि देखो भाई हमारे एयर इंडिया के जितना स्टाफ है बिल्कुल उनको तैयार करके फ्लाइट में भेजा करो, तो इस बात का लैक्मे ने बिल बनाया होगा एयर इंडिया के नाम। तो एयर इंडिया ने लैक्मे से क्या खरीदी? ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेस। तो बताइए उसका ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम कितना यूज कर लो उसका ITC नहीं मिलेगा। तुम कितने ही समझाते फिरो कि ये बिजनेस के लिए जरूरी था और इसके बिना कैसे काम चलता, हम कैसे इन हाउस मैनेज करते, इसलिए हमने ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज हायर करी। मैं कह रहा हूं तुम कुछ समझाते फिरो, इसका ITC नहीं मिलने वाला, समझ गए तुम? अब मान लो कोई बिजनेस है, वो एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है, कोई कंपनी है, उसकी AGM है, AGM में शेयर होल्डर आए 5,000 लोग, मान लो उन 5,000 लोगों के लिए हमने कोई हलवाई रखा, आउटडोर केटरर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हमने आउटडोर केटरर से 5,000 लोगों के लिए खाना बनवाया, और खाना बनवाने के बाद उस केटरर ने हमको केटरिंग दी, फिर वो बिल दे दिया उसने सर्विसेज का अपनी, उसमें बदमाश ने GST भी जोड़ दिया, हमने उसे पे भी करा, तुम्हारे पास परचेज भी है, इनवॉइस भी है, पेमेंट भी हो चुकी, जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, लेकिन ITC नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है मेरे को ये नहीं समझ आता ना कि असलियत में तुमने ही परचेज कर रखी है या अपने घर के हलवाई का जो बिल है वो भी तुमने यहां ऑफिस में लपेट डाला। लेकिन दो सिनेरियो ऐसे हैं जहां पर तुम्हें ITC मिल जाएगा। पहला, अगर ये वाली सेवाएं सरकारी कंपल्शन की वजह से तुम्हें देनी पड़ी, किसकी वजह से? सरकार के कंपल्शन की वजह से,
मान लो फैक्ट्री में कोई मिसहैपनिंग हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई और सरकार ने एक रूल बनाया कि फैक्ट्री में जितनी भी चोटें लगेंगी उनकी प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी जो करानी पड़ेगी वो तुम करवाओगे, कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी पे जीएसटी माफ नहीं है। तो हमने मान लीजिए मैक्स हॉस्पिटल से प्लास्टिक सर्जरी करवाई अपने वर्कर्स की, उसका बिल आया हमारे पास, उस पर जीएसटी लगकर आया, तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि सरकारी आदेश की वजह से हमने वो सर्जरी करवाई। और दूसरा सिनेरियो जिसमें आईटीसी मिल जाएगा उसमें वो तब मिलेगा जब परचेजर और सेलर दोनों का बिजनेस सेम हो। मान लीजिए लैक्मे का जो पार्लर था याद है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए, शादियों का सीजन है, लैक्मे वाले बोले अरे यार कस्टमर की लाइन तो बड़ी लंबी है, 150 कस्टमर अभी क्यू में है, हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे। तो लैक्मे ने किसी दूसरे पार्लर से स्टाफ हायर कर लिया, लैक्मे ने किसी दूसरे पार्लर की सर्विसेज हायर कर ली कि तुम हमारे लिए जरा ये ब्यूटी ट्रीटमेंट कर दो। तो सोचो एक ब्यूटी ट्रीटमेंट कंपनी ने दूसरी ब्यूटी ट्रीटमेंट कंपनी को सर्विसेज दे दी, तो यहां पर दोनों सेम बिजनेस में हैं, इसलिए आईटीसी प्राप्त हो जाएगा। आपको याद होगा कि 5000 लोगों को खाना बनाने के 5000 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हमने केटरर हायर करा था, उस केटरर ने क्या करा, हमसे ऑर्डर लेके आगे दूसरे ठेकेदार को केटरिंग का दे दिया बिजनेस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो फिर एक कॉन्ट्रैक्टर ने दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से परचेज करी सर्विसेज, उस पर जीएसटी लगेगा, उसका क्रेडिट ले सकते हो आप, दोनों ही लोग सेम बिजनेस में हैं। क्लियर हो गई बात? आइए, तो फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, इसमें लिखना होगा आपको जनरली आईटीसी नॉट अलाउड, आईटीसी बिल्कुल अलाउड नहीं है, जनरली आईटीसी नॉट अलाउड, हाउएवर आईटीसी शैल बी अलाउड, आईटीसी अलाउड हो जाएगा, आईटीसी शैल बी अलाउड इन फॉलोइंग, आईटीसी शैल बी अलाउड इन फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस, आईटीसी शैल बी अलाउड इन फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस। पहली कौन सी परिस्थिति है, व्हेन दीज आइटम्स वर परचेज्ड, when these items were purchased under government orders as a compulsion measure, मतलब जबरदस्ती सरकार कह रही, सुनाई नहीं दे रहा यार ये खरीद लो, तो हमने कहा हाँ बाबूजी खरीद लेंगे, बिल्कुल सरकार तुम कह रही हो तो खरीद लेंगे, ठीक है। दूसरा, when both receiver and supplier happen to be in the same business, happen to be in the same business, मान लो आपके शहर में कोई रूल बन जाए कि अगर फैक्ट्री में 2 घंटे का ओवरटाइम से ज्यादा ओवरटाइम कराओगे तो आपको खाना खरीद के देना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, तो अब उस मजबूरी से हमने अगर खाना खरीदा तो भाई आईटीसी मिल जाएगा। करण पूछ रहे हैं आउटडोर केटरिंग का मतलब बाहर से हमने सर्विसेज ली, हाँ मतलब वो जो खाने वाले जो हलवाई होते हैं जो ठेकेदार होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं केटरिंग का। यस दोस्तों, क्लियर हो गई बात? तो ये जो तुम मिठाई खरीदते हो ना ईद पर, दिवाली पर, नए साल पर, पोंगल पर, मैंने देखा है लोग जीएसटी का बिल लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं हल्दीराम के काउंटर पे, जीएसटी वाला बिल दे दो, जीएसटी वाला बिल दे दो, जीएसटी वाला बिल दे दो, भाई क्रेडिट नहीं मिलता कानूनन। अरे सर हम तो हर बार ले लेते हैं, तो तुम ले लेते हो, सरकार जिस दिन पकड़ेगी उस दिन जवाब दिया ना, जवाब देना, अभी तो सब ले ही रहे हैं क्रेडिट। चलो बहरहाल, तो दूसरा हो गया जी फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है ये वाला हो गया। तीसरा लिखते हैं भाई,
चलिए थर्ड लिखते हैं, मेंबरशिप ऑफ जिम कॉमा फिटनेस सेंटर योगा केंद्र हां जी क्लब एटसेट्रा। तो हमने मेंबरशिप ली जिम की, फिटनेस सेंटर की, योगा केंद्र की, क्लब की। योगा में ना कुछ आजकल वो इंग्लिश वर्जन आ गए पावर योगा, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है जीएसटी से। हां जी, इन केस ऑफ एयरलाइन एजेंसी वोंट फूड सप्लाई बी अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई रिजल्टेंट आईटीसी वुड स्टिल बी डिसअलाउड ऑन इनपुट? नो, आईटीसी वुड बी अलाउड। अभी एक प्रश्न आया है स्टूडेंट का कि जैसे एयरलाइन ने खाना खरीदा इसलिए क्योंकि फ्लाइट में देना पड़ेगा पैसेंजर्स को, तो आईटीसी मिल जाएगा उनको, उनके लिए तो वो है क्या कहते हैं उसे, फर्दर सप्लाई है। ठीक है, मैं इसको ठीक से लिखवा देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यहां पे पॉइंट टू जो है उसको ठीक कर देता हूं। व्हेन बोथ रिसीवर एंड सप्लायर हैपन टू बी इन द सेम बिजनेस और इफ दे आर इन डिफरेंट बिजनेस, ऐसे कर लो, ठीक कर लो, इफ दे आर इन डिफरेंट बिजनेस, इफ दे आर इन डिफरेंट बिजनेस, इफ दे आर इन डिफरेंट बिजनेस कॉमा इनवर्ड सप्लाई इज परचेस्ड, इनवर्ड सप्लाई इज परचेस्ड टू फर्दर सप्लाई टू कस्टमर। Further supply to customer, either as a separate supply or bundled supply, ऐसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक बात है, मुझे पहले ही ऐसे लिखवा देना चाहिए था। तो सब लोग दोबारा सुने, स्टूडेंट है घोषाल, उनका प्रश्न क्या है कि एयरलाइन वालों ने खाना खरीदा तो उस पर आईटीसी मिलता है एक्चुअली, लेकिन हमारी लैंग्वेज लिखे हुए से ऐसा लग रहा था कि जब तक दोनों सेम बिजनेस में है तभी तक आईटीसी मिलेगा। केटरर ने केटरर को खाना बेचा, खाना बेचने वाले ने खाना बेचने वाले को खाना बेचा, लेकिन उसके साथ साथ एक रूल यह भी आपको समझना चाहिए कि अगर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों अलग अलग बिजनेस में है तो हम जो माल खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम अपने कस्टमर को देंगे साथ में। ठीक है, हमारी एयरलाइन है या हमारा सिनेमा हॉल है, मान लो हमारा एलीट क्लास सिनेमा हॉल है, बिल्कुल सैंडविच और कोका कोला फ्री देते हैं हम तो अपने टिकट के साथ, इसलिए हमने सैंडविच और कोका कोला खरीदी क्योंकि हम तो अपने कस्टमर को टिकट के साथ वो देते ही है, कोई आदमी अलग अलग कर ही नहीं सकता, हम तो साथ में ही बेचते हैं। टिकट लोगे तो एक सैंडविच एक कोका कोला मिलेगी, तो उसको जब वो खरीदेगा ना कोका कोला और सैंडविच तो आईटीसी मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अब वो अगला पॉइंट अब लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर थ्री जो था उसको दोबारा से नोट कर लीजिए, मेंबरशिप ऑफ जिम फिटनेस सेंटर। अच्छा, ये जो जिम है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म जिम होता है जिमनेजियम, तो आप खाली जिम भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिटनेस सेंटर, योगा केंद्र, क्लब एटसेट्रा, इनकी परचेस पर, इनके सब्सक्रिप्शन पर जब आप जीएसटी पे करते हो तो आईटीसी किसी भी हालत में अलाउड नहीं है, किसी भी परिस्थिति में, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इसका।
जिम की मेंबरशिप पर कोई आईटीसी अलाउड नहीं है, क्लब की मेंबरशिप पर कोई आईटीसी अलाउड नहीं है, फिटनेस सेंटर की आईटी जीएसटी पर कोई आईटीसी अलाउड नहीं है। अब मान लो सर हमारी कंपनी है सिक्योरिटी एजेंसी की, एबीसी सिक्योरिटी एजेंसी, हम तमाम कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराते हैं और हमारे सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल क्या कहते हैं उसे बाउंसर्स लुकिंग के हैं, तो हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जिम की मेंबरशिप लेते हैं। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स से ही नहीं कहते तुम अपने पैसों से जिम करो, हमने उनके लिए जिम की मेंबरशिप, क्लब की मेंबरशिप, उनके फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप, उनके लिए योगा केंद्र की मेंबरशिप खरीद रखी है। हमारे जितने सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी एम्प्लॉयमेंट में है वो सब दो दो घंटे जिम करते हैं और उनके पैसे हम भर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस से तो ये बिल्कुल रिलेटेड है। मान लो हम कोई स्पोर्ट्स एंटरप्राइज होते तो, हम कोई स्पोर्ट्स कोचिंग होते तो, हमने मान लो पड़ोस वाले जिम में मेंबरशिप ले ली है, कॉरपोरेट मेंबरशिप, सरकार कह रही है तुम लेते फिरो तुम्हारा दिल, मैं आईटीसी नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि खेल सारा यह है कि लोग पर्सनल जिम की मेंबरशिप लेंगे और उसे दिखा देंगे कंपनी ने कॉरपोरेट मेंबरशिप ली है, यह है कलेश। समस्या यह है कि लोग अपने निजी खर्चे वाली जो जिम मेंबरशिप है उसको कंपनी के बिल में लपेटने लगेंगे, फिर आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका आईटीसी किसी हालत में नहीं मिलता। आईटीसी इज नॉट अलाउड ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ दीज सर्विसेस, इवन इफ परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, इवन इफ परचेज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस, भले ही व्यापारिक पर्पस से आप खरीदो लेकिन आपको इसका आईटीसी नहीं प्राप्त होगा। ठीक है भाई,